क्या बोल रही थी मैं? गाइस वेलकम बैक टू सना बिकी ब्लॉग चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग्स में। बताओ कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और गाइस तो आज मैंने ब्लॉग डाला था और मेरा से गलती क्या हो गया कि मैं कमेंट गलत टर्न ऑफ होके था, मेरे को पता चला ही नहीं। और जितने भी आए शायद वीडियो देख के चले गए और कमेंट तो कर ही नहीं पाए। तो मैंने 3 बार अपना कमेंट को ऑन किया और 3 बार खुद से ऑफ हो गया। तो लास्ट बार मैं जब सो के उठी तो मैं देख रही हूँ अरे आज वीडियो पे कमेंट ही नहीं आ रहा है। तो मैंने देखा अच्छा मेरा फिर से कमेंट बार बार ऑफ हो रहा था। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या होता है, मेरे साथ ही होता है जो भी होना है। तो कोई नहीं, ऐसा होते रहेगा। और अभी शाम का समय है तो गाइस आपको को मौसम दिखा दूँ, पूरा रेड रेड हो गया पता नहीं कैसे। तो ये ब्लॉग भी मैं पूरा 100% अपना दूंगी और थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। तो गाइस देखिए, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा मैंने, गाइस मेरा चेहरा पे शाइनिंग देख लीजिए, रेड रेड टाइप से आ रहा है, मतलब चमक रहा है। और अभी कॉल किए थे कि आ रहे हैं मगर अभी तक आया नहीं है। तो इधर बहुत अंधेरा हो रहा है, लाइट जो है फ्यूज़ हो गया है शायद से। कल अपना आप से जल रहा था, पता नहीं क्या हो जाता है। तो इसका भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकता है। और गाइस तो मुझे बहुत बोरिंग भी लगता है शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, इतना मेहनत से रेडी हो शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, उसके बाद उसको बनाओ फिर भी 1 लाइक मिलता है, 2 लाइक 3 लाइक ऐसे मिलते हैं इंस्टाग्राम पे। तो और भी बोरिंग हो जाते हो, कम से कम थोड़ा भी लाइक मिलने से थोड़ा अच्छा लगता है। मगर पता नहीं आदमी लोग को कैसा टाइप से वीडियो चाहिए वो भी नहीं पता मुझे। तो देखते हैं, वीडियो डालते रहूँगी मैं और अपना कोशिश जारी रखूँगी ताकि आगे बढ़ पाऊँ। तो इसलिए मैं वीडियो उसमें वीडियो थोड़ा बहुत बना के डालती हूँ, मगर पहले जैसा अभी नहीं डाल रही हूँ, पहले जैसे डालती थी। तो कुछ दिनों से तो आप लोगों को पता है कि मैं तबीयत ख़राब था इसलिए मैं बना भी नहीं पा रही थी। तो गाइस मैं अभी कुछ दिन बाद अच्छे से बनाऊंगी। और संडे को अगर ये घर पे रहते हैं तो मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी, डांस वाला वीडियो जो होता है वो, और ब्लॉगिंग भी करूंगी और कुछ अच्छा सा देखते हैं चैलेंज क्या होता है। तो पहले नहीं बोलूँगी मैं, पहले अगर बोल देती हूँ तो चैलेंज वीडियो आ नहीं पाता है। तो गाइस मैं अभी नहीं बोलूँगी, बाद में बोलूँगी। और गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहें आप। गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज मेरा ब्लॉग पता नहीं 11 या 12 बजे तक आ पाएगा कि नहीं, तो मैं 1-1 बजे का करीब भी कभी कभी डाल देती हूँ। और जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ इसलिए बाल को ऐसे कर रखा है, और मैं बाहर नहीं जा रही क्योंकि बाहर भी धूप हो रहा है तो आवाज़ भी सुनाई नहीं दे और बहुत साउंड भी होता है बाहर में। तो कई लोग बोलते हैं कि आपका आवाज़ भी नहीं आता, तो सही होगा आवाज़ नहीं जाता होगा। और मेरा काम पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने घर पोछा ओछा लगा लिया और जितना बर्तन था सुबह का मैंने बर्तन भी धो डाला। और अब बस मैं सोच रही थी कि कोई चैलेंज वीडियो लाऊं, और मैंने जो चैलेंज वीडियो सोच रखा था वो करने वाली थी पर टाइम नहीं मिला, उनका ऑफिस था उनको जाना पड़ा इसलिए हो नहीं पाया। तो मैं देखूंगी शाम तक ज़रूर वो वाला ब्लॉग लाऊंगी। और गाइस मैं वो ब्लॉग इसमें ऐड कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी पता नहीं, मगर अलग में ज़रूर मैं कल सुबह तक देखूंगी ला दूंगी। और चैलेंज वीडियो कई लोगों को बहुत पसंद भी आता है तो मैंने सोचा चलो बीच बीच में चैलेंज वीडियो भी डाल देते हैं तो अच्छा लगेगा। तो गाइस आप लोगों को मतलब किस टाइप का वीडियो चाहिएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बोलूँ क्या मैं तो गाइस अब मैं जा रही हूँ थोड़ा लेट के, और मैंने नाश्ता भी कर लिया था तो आज मैंने उल्टा किया, पहले मैंने खा लिया उसके बाद नहाया। तो ऐसा क्यों किया मैंने, तो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहा के खाते नहीं तो कभी कभी फिर खा के ना ऐसा भी होता है। तो कौन कौन ऐसा करता है। और गाइस मेरा आईब्रो भी बहुत बड़ा बड़ा हो गया, देखिए इतना बड़ा बड़ा हो गया। तो मैं पहले जब इसको थ्रेडिंग नहीं कराती थी तो मेरा ऐसे
ऐसे मतलब नेचुरल थोड़ा अलग सा लगता था, मगर जब से मैंने कराने स्टार्ट किया ना, तो ये देखिए गाइस कैसा बड़ा बड़ा हो गया है। और मैं कुछ दिनों बाद जाऊंगी, देखती हूँ कब टाइम टाइम तो वैसे रहता है, बट अकेले हूँ इसलिए बोल के जाने का मन नहीं होता। तो मैं जाके इसको भी वो अच्छे से कराऊंगी ट्रेडिंग, और उसके बाद और गैस कुछ दिनों बाद मुझे बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग मिलेगा, तो बस मैं वो उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। तो जब आपको अच्छा अच्छा ब्लॉग मिलेगा तब आप लोग को पता चल जाएगा कि मतलब क्या है और क्या होने वाला है। तो गैस मैं कुछ नहीं ऐसे से कर रही थी, तो वही बच्चे जैसे खेलने लगती हूँ। तो गैस मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गैस तो कैसे आप लोग, अभी 4 बज गए गाइस, और धूप देख के तो लग ही नहीं रहा है कि 4 बज रहा होगा। तो मैंने झाड़ू सूखने के लिए रखा था, तो उसी को लेने आई थी। स्कूप और झाड़ू को दोनों को ही मैंने धो दिया था, क्योंकि झाड़ू मारने से फिर मिट्टी बालू हो जाता है, तो इसके वजह से सब धूल मिट्टी को हटाने के लिए धो दिया था मैंने, इसको रख दिया था। और गाइस एक तरफ से घर में गर्मी भी लग रहा है, फिर थोड़ा ऐसा होता है कि कूलर जला रहने से भी ठंडा भी लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि सर्दी हो गया। पर बारिश में तो मैं एक बार भी गई नहीं हूँ, उसी दिन जिस दिन बीमार थी उस दिन हॉस्पिटल गई थी, तो मैं रेनकोट पहन के गई थी। फिर भी बेबी तो बहुत भीग गई थी, मगर मैं नहीं भीगी थी, मैं ऐसे मतलब नॉर्मली ठीक ही थी। और क्या बोलूँ गाइस, मैं अकेले अकेले ब्लॉग बना बना के बोर हो जाती हूँ। साथ में बेबी रहते हैं तो अच्छा लगता है ब्लॉग बनाने के लिए, और नहीं तो अकेले रहने से लगता है कि खाली ब्लॉग जा रहा है, ऐसे भी लगता है। लोग ऐसा है कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा ब्लॉग जा पाए, और शॉर्ट वीडियो भी बनाना है मुझे, तो शाम तक देखूँगी मैं। और अभी मुझे ना बहुत जोर का नींद लगा हुआ है, पर मैं अभी पता नहीं सो पाऊँगी कि नहीं सो पाऊँगी, क्योंकि मैंने जस्ट अभी कपड़े धोए हैं, तो धूप जब ख़त्म हो जाता है तभी सोचती हूँ कि कपड़ा धो के फिर मतलब शाम को रखूँगी। तो जो धूप होता है पहले का वो बहुत ही अलग सा होता है, जिससे कपड़ा का कलर उड़ जाता है। तो अभी धूप जैसे धीरे धीरे नीचे जाएगा, मतलब ठंडा होगा वैसे वैसे, उसके बाद में कपड़ा डाल दूँगी तो सूखने शाम तक सूख जाता है गाइस, क्योंकि धूप जो बहुत हैवी है। और ये देखिए मैंने कपड़ा सब धो के यहाँ रखा हुआ है, तो पानी जब निकल जाएगा तभी मैं उसको करूँगी। और किचन भी साफ ही है, मैंने साफ करके ही रखा था पूरा, तो ऐसे में देखने में ख़राब लग रहा होगा कि मतलब सब कुछ बिखरा हुआ ऐसा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है, सामने से पूरा मैंने अच्छा से रखा हुआ है, सामान सब अपना अपना जगह पे। तो कोई लोग देखते होंगे तो सोचते होंगे पता नहीं कैसे रखे हैं। और गाइस तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक ले पाई। गाइस तो मैं आ चुकी हूँ, और गाइस मेरा जो ये वीडियो है मतलब बहुत क्या बताऊँ, कल भी मेरा कोई वीडियो नहीं गया, तो मैं हमेशा यह सोचती रहती हूँ कि रोज़ एक वीडियो डाल दूँ, पर रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि सोचती हूँ क्या डालूँ कैसे डालूँ, मुझे ये भी समझ नहीं आता। मगर आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। तो कल गाइस मैं इससे एक छोटा वीडियो डालूँगी, तो उसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगी, तो पता चल जाएगा आप लोगों को कि एक वीडियो आने वाला है। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरा जो भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपना फैमिली का ख्याल रखो, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए सोच के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू।